One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. Good evening, everyone, and thank you very much for being present here. तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग इतनी तादाद में आए हो इधर हमारे को इतने बड़े ओकेजन के लिए हमारे लिए, थैंक यू सो मच। एक्टर का किरदार है और उसकी एक ड्रीम गर्ल है जिसको वो देखता रहता है और उसको एक तस्वीर में ही ट्राइज टू ब्रिंग हर इनटू अ प्रोग्राम एंड देन डू अ पेंटिंग, तो वो मैंने किया है। एंड एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, ये इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, लव स्टोरी है। एंड जी a couple that she loses, my character is about someone who loses their love or us journey mein wo kaise uska love ko dhoondti hai and how she finds it, all the obstacles and kaise bhi wo, you know, that's how she finds her love. And I found it to be a very interesting story and the VFX that are part of this. And I hope that everybody else, you know, loves the film and loves the trailer when it comes out. And the song, the romantic songs are very nice as well. जिस तरह से भीड़ है तो आपको कैसा लगता है की ये जो इंतजार है किस तरह से समाप्त होगा? वेल, आज जो हमारा जो प्रोग्राम था और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स ने जो अरेंज किया था, उसके एक अच्छी सी बात ये है कि हमारे कुछ टिकट्स प्री सेल हो जाते हैं एंड एक सर्टन अमाउंट का कलेक्शन गारंटी हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेस। सो आई एम हैप्पी दैट जो इन्वेस्टर्स आए हैं, दे हैव शोन सम फेथ इन आवर फिल्म एंड दे विल बी इंश्योरिंग सम अमाउंट ऑफ टिकट्स टू बी सोल्ड विच विल हेल्प द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द फिल्म एंड हेल्प आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू रिकवर मनी। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। सो आई एम हैप्पी दैट ये जो इवेंट हुआ है, ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है जहाँ ओवर लाइक 5 लाख टिकट्स हैव बीन इंश्योर्ड। सो इट्स ग्रेट। सर, जैसे हम देखते हैं फिल्म आती है, नहीं है कुछ बोल नहीं सकता, फिल्म में कैसी वी वर्क पैशनेटली ऑडियंस का। प्लीज आप सुनिए, सुन लीजिए सर क्या बोल रहे हैं। पहले आप फिल्म का लाइक आई सेड के कोई अंदाज़ा नहीं होता ऑडियंस का रिएक्शन कैसे होता है, कोई फिल्म एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी करती है, कोई फिल्म एक्सपेक्टेशन से कम करती है। तो वी जस्ट होप कि हम जब फिल्म बनाते हैं तो वी मेक इट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ पैशन एंड होप करते हैं कि जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों को पसंद आए, लोग थिएटरों में जाए जाके देखें। तो आई एम श्योर अगर फिल्म अच्छी लगेगी लोगों को तो लोग जाएंगे ज़रूर देखने के लिए। इस साल आपकी 4 मूवीज आ रही हैं, इस साल के अंदर आने वाली दिनों में आपकी 4 मूवीज आ रही हैं, तो क्या डिफरेंस आप रखते हैं, कैसे आप एज्यूम करते हैं कि चारों जो मूवी है वो हटके हो, किस तरह से रोल आपके डिफरेंट हैं? अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग फिल्में हैं, अलग कहानियाँ हैं। किसी फिल्म में मैं एक CBI इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो किसी फिल्म में एक पेंटर और एक लवर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इस किस्म की फिल्में हैं अलग अलग। तो एक फिल्म के अंदर एक हल्का सा इनसिक्योर हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर, तो अलग किरदार हैं, अलग रोल्स हैं। एंड सारी फिल्में करते वक्त अच्छा लगा, मज़ा आया। एंड कौन सी, लाइक आई सेड, कौन सी फिल्म ऑडियंस को पसंद आती है वी डोंट नो, वी जस्ट वर्क एट आर पैशन। फिल्म मेकर्स जो बनाते हैं वो होप करते हैं साल के अंदर 100 फिल्में बनती होंगी, रिलीज़ होती होंगी, उसमें से शायद परसेंटेज चलने वाली फिल्मों की कम होती है, बट हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस परसेंटेज में हो फिल्म। श्योर अबाउट दैट, आई सेड फिल्म को किसी भी तरह इंटरेस्ट होगा तब। As they have said कि उन्होंने 5 लाख टिकट्स अभी तक सेल कर दिए। Yes. This is like future, अभी पहले से बैनिश कर दिया सब कुछ, आगे आने वाली फिल्म्स का क्या होगा? क्या कर दिया? I mean to say if there is a way, कुछ फिल्म के
फिल्म के लोग चीज़ में इंटरेस्ट होगी या लोगों को कंटेंट में इंटरेस्ट होगा या उसकी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट होगा, तब जाके इंश्योर करते हैं। हो सकता है कि इस फिल्म में हुआ है, किसी और फिल्म में कम हो, किसी और में ज़्यादा हो। तो इफ़ दैट इज़ आज सो मेनी स्कीम्स आर देयर। आज हम मॉल्स में जाते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री, या कोई चीज़ों की हाफ प्राइस होती है, कोई सर्टेन डेज के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट होता है। तो दैट इज़ ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू सी दैट अ फिल्म एज वेल। वॉट एवर इज़ द रीजन टू ब्रिंग एन ऑडियंस टू द थिएटर और टू सेल्स टिकट्स, इफ इट इज़ नॉट डन इन अ अनलॉफुल मैनर, आई थिंक इट इज़ फाइन। अल्टीमेटली इट डजंट रियली मैटर, द पॉइंट इज दैट बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन बढ़ने चाहिए। एंड जो आप पब्लिसिटी से, क्यूरियोसिटी से, इंसेंटिव से कर सकते हैं, आप करें। सर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस, दैट मच आई कैन से। एंड बहुत मेहनत करती है। बहुत से टाइम ऐसा होता था कि सेट के ऊपर वो एक सीन को लेके बैठती थी और उसके अंदर जो मोमेंट्स और जो आई वुड से कि टेक्निकलिटीज वो ढूंढती थी। समटाइम्स आई टू बी शॉक के उसका दिमाग कितना चलता है। एंड शी इज़ नॉट जस्ट डूइंग दिस फिल्म एज अ ग्लैम डॉल, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन अ एक्टिंग करियर, शी रियली वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। एंड आई वॉज वेरी इंप्रेस बाय दैट एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, कि शी इज़ नॉट समबडी हु थिंक्स कि मैं खूबसूरत औरत हूँ तो मैं जो भी करूँगी चलेगा। उसको अपने रोल्स पे और ये सीन, इस सीन से पहले ये मेरे कैरेक्टर ने किया तो अब ये नहीं कर सकती, अब मेरा कैरेक्टर ये ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा बिहेव नहीं करेगा। एंड शी हेल्प्स द डायरेक्टर ऑल्सो बिकॉज शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एज एन एक्टर। एंड आई थिंक हर आदमी अपने क्राफ्ट को धीरे धीरे होन करता है और धीरे धीरे बढ़ाता है, अच्छा करता है। कोई पहली फिल्म से ग्रेट एक्टर बनते हुए आई डोंट थिंक आता है, धीरे धीरे करते करते पीपल इम्प्रूव। एंड शी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज पर्सन जो धीरे धीरे एक्टिंग करते करते शी इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर। थैंक यू।